जी भाई बात करेंगे सर। हाँ जी दे रहे जी बहन जी आदेश। हाँ भाई नोट करो। जी बहन जी ये जो चारों मंडल हैं। जी बहन जी तो ये मेरठ मंडल। जी बहन जी सहारनपुर मंडल। जी बहन जी तो ये मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल। जी बहन जी तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई हैं। जी बहन जी तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें और 9 तारीख को उनको बुलाना। ठीक भाई अपना हिसाब वो जो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला वो भी अपना हिसाब कंप्लीट करके ले गया है। जी भाई कल उससे बात हुई थी। मैं थोड़े मैं टेलीफोन से भी बात करना चाहती हूँ मतलब बहन जी मैंने बात हुई है आप उसको बुलाओ। मैंने नहीं दिलवाई बहन जी दत्ता सिंह राव थे जिलाध्यक्ष थे सब लोग पीछे पड़ के दिलवाई आप उनको बुलवाओ वो मुस्लिम समाज के लोग हैं आप अपनी जिम्मेवारी लो। टिकट तो आपने दिलवाया था ना बहन जी टिकट भी मैं नहीं चाह रहा था आप बुलाते हैं जो भी कुछ है अपनी जिम्मेवारी को निभाओ मतलब जो आप देंगे जिम्मेदारी निभाना बहन जी उसमें पीछे नहीं कोई जिम्मेदारी अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। नहीं बहन जी भाव के कहाँ जाएंगे नहीं अच्छी बात नहीं है ये क्योंकि जो मैंने अभी नए लोग लगाए उनको ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मैं एक्शन लूंगी इनके खिलाफ। बहन जी जो आपका आदेश होगा कल बात में मेरे वहाँ से आप हटाने के बाद कोई मेरी बात नहीं मान रहा। मेरी आके बात करना मेरे से बात नहीं करो टेलीफोन पे मेरे टेलीफोन टेप होता है। ठीक है बहन जी तो आप उनको 9 तारीख की शाम को 4 बजे बुलाना। मैं बुलाता हूँ और इधर रेजिडेंस पे बुलाओ सब अपना हिसाब किताब लेके आए। मैं कहता हूँ हाँ उनको बोलो अपना क्योंकि हमें मेंबरशिप का राउंड अप करना है सारा हिसाब किताब और यही लखनऊ लेकर आए और दफ्तर में जमा कराए और फिर मुझे हिसाब दें और 9 तारीख की शाम को 4 बजे आप रहेंगे साथ में उनके। मैं बहन जी रहूंगा मैं कर लेता हूँ जाना है जहाँ मैं वहाँ रोक लेता हूँ मैं आ जाऊँगा। मैं कोई बात नहीं रोक दो मुझे ये भी हिसाब राउंड अप करना है। जी बहन जी बहन जी मैंने नहीं दिलवाई हूँ क्या बताऊँ अभी छोड़ो अभी मैं टेलीफोन पे मैं अभी बात ज्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि अब वो कुछ भी बोलेंगे इधर रिकॉर्ड जो मैंने चेक किया है जी तो अब मेंबरशिप की किताबें ये गरीब और मजलूमों की पार्टी है ये जी बहन जी तो हम का हिसाब जनता को देंगे। जी बहन जी तो ये ठीक नहीं। जी बहन जी इसलिए उनको बोलो ये अपना 9 तारीख की शाम को आए और आए आपका जो भी काम करना है तो 4 बजे के बाद अपना जो भी आपका पर्सनल काम है 4 बजे के बाद करना। 10 तारीख को तो मीटिंग है उसमें रहने का है। ठीक भाई जी और फिर आप अपना प्रोग्राम बनाओ और लोगों को फिर मुझे पूरी अपनी रिपोर्ट भी दो प्रोग्राम। ठीक भाई जी और ये जो ये चारों मंडल के जिनको दिलवाए हैं इसके पर नहीं ये आपकी जिम्मेवारी है आप वरिष्ठ आदमी थे। नहीं बहन जी मैं मान रहा हूँ लेकिन मैं इनको लेके नहीं आया पूछ लीजिए भाई तो छोड़ो अभी मैं करने मैं ये जिम्मेवारी को नहीं बहन जी मैं बुलाता हूँ वो आपके सामने बात हो जाएगी भाई बात बात नहीं मैं किसी के माध्यम से नहीं और खास तौर से जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जिम्मेवारी टोटल आपकी होगी। अब बहन जी जो आप कहेंगे वो जी बहन जो आप कहेंगे लेकिन मैंने नहीं करवाया भाई वो छोड़ो अभी मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भी कराए तो भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ। ये मैं तैयार हूँ बिल्कुल भाई जी मैं तैयार हूँ आप जिम्मेदारी आपकी मर्जी के बिना मैंने किसी का टिकट फाइनल नहीं किया था ये भी मान के चलो और मैंने मेंबरशिप की किताबें उनको दी थी कि आप मेंबर बनाओ तब मैं टिकट दूंगी तो आप अब कम से कम हमारा किताबें तो दे दें कटी हुई मेंबरशिप की है। जी बहन जी उनसे मुलाकात भाई है सब लोगों ने बात किया चलो अभी वो तो करेंगे चेंज लेकिन उनको 9 तारीख की शाम को 4 बजे लेकर आओ तब मैं यहाँ बात करती हूँ। अच्छा ठीक है क्योंकि थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारी को समझो आप पार्टी के वरिष्ठ आदमी हैं जी बहन जी क्योंकि आप इतने साल से कई साल से उधर देखते रहे हैं तो इन लोगों का असर नहीं होगा
आपके वरिष्ठ आदमी थे, वरिष्ठ होने के नाते मैंने उनका टिकट फाइनल किया और उनको मेंबरशिप की किताबें दिलवाई कि चलो ये जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं अपने समाज को मेंबर बनाए तब मैं टिकट फाइनल करूंगा, ऐसा ना हो कि दलितों का ही वोट चलते रह जाए। जी भाई जी। तो इसलिए क्या है कि आप उनसे बात करो और अपना वो हिसाब किताब सब लेकर आए और 9 तारीख की शाम को 4 बजे आप उनको लेकर आओ, मैं फिर बात करती हूँ। अच्छा ठीक ठीक। और जो आपका काम है उसमें भी तेजी करो, बहुत डिले हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और उसी दिन फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है भाई। जयंत जी भैया बात करेंगे। हाँ जयंत साहब आवाज आ रही है। हेलो बेंजामिन भाई, आपका प्रोग्राम मैं क्या सोच रही हूँ कि आपको अपना ये काम खत्म करना चाहिए। जी बहन जी। तो मध्य प्रदेश में फिर बाद में बनाओ, मंगला इतना जल्दबाजी मत करो। बहन जी नहीं जा रहा हूँ, जो आपने काम बताया था पहले उसी में लगो, वो बहुत जरूरी है। अच्छा और दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश वालों का टेलीफोन आया था तो मैं उनको बोल दूं कि भाई मैं उनको कह देती हूँ उधर भी शहरी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। जी बहन जी। वो फिर चुनाव के बाद आएंगे उधर। जी बहन जी कह दीजिए बहन जी। हाँ तो वो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वो बीच की तारीख बार बार बदलना जो है ना। ठीक बहन जी। मेरे ख्याल वो ठीक नहीं रहेगा। मैंने बहन जी सबको इकट्ठा किया था, बुलाया था उस मामले में। हाँ तो बहन जी बातचीत हुई है और भाइयों से बातचीत किया है। चलो टेलीफोन पर ही जो मिलना है। हाँ बहन जी जो आप कहेंगी वो करूँ। जी बहन जी जो है उसको करना है, इधर उधर नहीं मिलना। नहीं बहन जी सब कुछ हटा दूंगा मैं, प्रॉमिस करूँ। तो या तो जो है आप जो है ना मेरे ख्याल आप घर से ही बोल रहे हो। नहीं बांदा में हूँ। अच्छा बांदा में ठीक है। वो सभी लोगों को बुलाया था ना, वो आपके चक्कर में ढीले ना पड़ जाए ना इधर। बहन जी बोल दीजिए। तो मेरे ख्याल मैं उनको तो बहाना ये कह देती हूँ की ये निकायों के चुनाव हो रहे हैं तो उसके जैसे ही उधर ठीक हो जाएगा आपको बता देंगे। जी बहन जी। ये जो उधर हो रहे हैं ना शहरी निकायों का बहाना लगा। जी जी बहन जी। शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं। जी बहन जी। उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक बहन जी। कोई आपके चक्कर में उधर देखे ना उसको तो जाएगा। मैंने मना कर दिया था बहन जी। आप लगो उस काम में, उसी काम में लगे बहन जी, सारी प्रॉपर्टी में अलग कर दूंगा। जी बहन जी आपका जो आदेश है उसको मुझे करना है, सारा कुछ हटा दूंगा बहन जी। बहन जी सर। जी भाई। जी भाई बहन जी बात करेंगे। दे दीजिए दे रहे हैं। जी भाई जी आदेश। भाई जी आदेश। हाँ भाई जो आपको काम दे रखा है उसको थोड़ा जल्दी करो। बहन जी उसी में लगे हुए हैं। अच्छा मैं बहन जी आपको नाराज नहीं दिखना चाहता बहन जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं बहन जी जो आपका आदेश है बहन जी वो मुझे पालन करना है। और बहन जी इसके आगे मैं क्या कहूँ। जी बहन जी दूसरा क्या है ये लिख लो थोड़ा सा। हाँ जी बहन जी। सवाल खास जो विधानसभा की सीट है। जी बहन जी। जिसको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलाई थी अभी तक उसका हिसाब नहीं हुआ है, उससे बात करो। मैं बात करता हूँ बहन जी। और दूसरा क्या है, एक मोदी नगर वाला है सवाल, तो आपने उधर टिकट दिलवाया था मेरे ख्याल। ठीक ठीक बहन जी मोदी नगर। हाँ और एक लोनी वाला है। लोनी जी बहन जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा जलालुद्दीन। हाँ जी बहन जी उससे बात तो हुई थी। है नहीं और ये आपके आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेवारी पे दिलवाई थी उनको किताबें। नहीं बहन जी मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ उनको। बोलो वो जो सवाल खास वाला है। जी बहन जी। मोदी नगर वाला है वो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबट जाए तो मैं चला भी जाऊँगा। मैं चला भी जाऊँगा। अमरपाल शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आनाकानी कर रहे हैं। मतलब
मैं बहन जी चला भी जाऊंगा जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता, मैं बहन जी आपके आदेश के तहत काम करूंगा। ये तो आपके आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी जो आपका आदेश है मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा। मैं बहन जी आप वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं आपका आदेश जानता हूँ बहन जी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपका आदेश। ये बहन जी इधर निपट करके एक दिन के लिए मैं चला जाता हूँ वहाँ गाजियाबाद, वो जो जिम्मेदारी है उनसे भी करवाता हूँ बहन जी। एक एक आपके लिए सब, बाकी कुछ नहीं, मुझे बच्चों से परिवार से ज्यादा आपको बहन जी मैंने माना। आपको बताया कि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है जी बहन जी। तो बहन जी आपने कहा मैं सब लगा हुआ हूँ, चल अचल संपत्ति सब देश की अलग कर दूंगा आपको दे दूंगा जी बहन जी। बहन जय जय। कैसे पता चलेगा सर जी? आप आ जाइए और उनको वहाँ बता दीजिएगा अपने घर खराब वगैरह जो जब वो लोग आ जाते यहाँ से देंगे तैयार। भैया उनसे बात भी तो करनी है ना जी। आपको भैया ने कहा कि आपको बुला लो भाई, मैं मुझे काम तो उन्हीं के साथ है ना, मेरे अकेले आने का क्या मतलब, मैं लेकर के आता हूँ। भैया ने कहा कि उनको बुला लो तुम, वो अपना आते रहेंगे भाई। उनसे बात भी तो करनी है उनसे, फोन पे सारी बात थोड़ी हो पाई है उनसे जी। जब वो आ जाएंगे ना तुम बता देंगे अंदर, तो उनका बात कर लीजिए भाई के आराम से, थोड़ा इंतजार कर लें जी। या तो ठीक जी सर जी भैया जी भैया प्रचार वाली आना था भाई, मैं जिनको आना था उनका इंतजार कर रहा था, कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई कि वो अब आ जाए तो फिर लेकर आऊँ। तो अभी घर पे है ना सर? हाँ हाँ जी। और लोगों को टाइम देगा, अब वो उन्हीं के इंतजार में बैठा हूँ। फोन किया तो कुछ लोगों से बात हुई, रास्ते में है कुछ से बात ही नहीं हो पा रही, फोन ही नहीं उठा रहे। रास्ते वाले कितनी देर तक आ जाएंगे क्या बताऊँ, मैं उन्हीं के इंतजार में हूँ। जी भाई घंटा आधा घंटा कितनी देर में? अब तो कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, क्या करें बाकी दो तीन लोगों से बात हुई, बाकी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं या तो आप किए हुए। करें क्या इंतजार कर रहे हैं इनको आना। हाँ यही बता दें सर। हाँ 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 ठीक जी। हेलो जी माननीय मंत्री जी भैया जय सर, बहन जी बात करना चाह रहे हैं। दे दीजिए हेलो जी भैया। हाँ ये थोड़ा बताओ, ये जो बांदा में जो हमारा ये खड़ा हुआ था ना कुशवा जी बहन जी, तो उसको कुशवाओं का वोट पड़ा था बहन जी? पड़ा है लेकिन कम पड़ा है। किसको ज्यादा गया कुशवाहों का वोट? बीजेपी को गया। अच्छा और ये जो मानसपुर की सीट थी मामला, उधर बहन जी मुझे आइडिया नहीं है, पटेल भी बीजेपी को गया है। यहाँ जो कुशवाहा वोट है हमको पूरा नहीं मिला है। नहीं बहन जी। अच्छा वो बीजेपी को गया है जी बहन जी, यही थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी। जो सदा की सीट है ना जी बहन जी, तो थोड़ा कुशवाहों के बारे में भी सोच के चलना होगा हमें जी बहन जी, क्योंकि ओबीसी में तो और भी बहुत सी जातियां हैं जिनको हम बढ़ावा दे सकते हैं जी बहन जी। कुशवाहों को उनको ही बढ़ावा देंगे जो मिशनरी लोग हैं जी बहन जी। और ये जो आया राम गया राम है इनसे थोड़ा सावधानी बरतनी होगी हमें जी बहन। चलो तो उसको कड़ा नहीं है वोट है, झांसी वाला कुशवाहा है जी बहन, वो बेचारे ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा, उसको तो पड़ा है वोट बताते हैं। इसको कम पड़ा मतलब आधा पड़ा होगा, आधा चला गया। झांसी वाला है उसको ज्यादा पड़ा है, उसको पूरा पड़ा है, वहाँ पे तो ईवीएम में गड़बड़ हुआ जी बहन जी। अच्छा इसको नहीं मिला है पूरा वोट? पूरा नहीं मिला है, मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला। चलो वही थोड़ा सा क्योंकि कुछ कुछ वालों मिलने के लिए आए, तो मैं सोचा थोड़ा सा मैं जानकारी ले लूं।
जी बिल्कुल। अभी जो आपको काम दिया है ना, तो फिर मैं लोगों को मिलती हूँ। अच्छा बहन जी, मैं आपको क्या बताऊँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं बहन जी, कभी पार्टी से आपसे एक पैसा लिया हो? मैंने दिया, हमेशा देता रहूँगा बहन जी। नहीं देखो, ऐसा मत बोलो जी बहन जी, पार्टी से लिया नहीं है, पार्टी ने बहुत कुछ आपको दिया। हाँ बहन जी, वो पैसे की बात कर रहा हूँ बहन जी, बात करना जी बहन जी को। तो ये सब लोगों को मेंबरशिप की किताब है, तो सबको मेंबर बनाने होंगे ना, कोई अलग चीज़ तो है। बहन जी मैं वहीं आके बात करता हूँ, मैंने मेंबरशिप की एक किताब नहीं ली है जी बहन जी। चलो छोड़ो अभी, तो जी बहन जी आपके समाज को तो दिए है ना मेंबरशिप की किताब? हाँ दूसरे लोगों को दिया है। तो मुसलमान क्या मेंबर नहीं बनने चाहिए? सब नहीं बनना चाहिए बिल्कुल। सारे हो तो सब मैं बात करती हूँ जी। ठीक है बहन जी, क्योंकि जो देखो चमार वोट भी देगा जी बहन जी, जी बहन जी हमारे बीएससी के मेंबर भी बनाएगा जी बहन जी। ये तो जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी तो मेंबर बनाने चाहिए ना अपने। हाँ बहन जी, इससे बिल्कुल 100% बहन जी ठीक कह रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सख्ती करना बहुत जरूरी है, तभी वोट पड़ेगा हमको आगे चल के। क्योंकि बस ऐसी हवा हवा में ये लोग जुड़ जाते हैं, फिर गड़बड़ कर जाते हैं। नहीं बहन जी, वोट बिल्कुल सही है। 9 तारीख को आ रहे हो जी बहन जी, ये मत बोलो कि भी मैंने दिया। क्या दिया है मतलब? आप टेलीफोन पे ऐसी आप बातें करते हो? नहीं बहन जी, आपने कहा उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुन लो, बीएसपी ने आपको बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल बहन जी दिया, आपको इतना मान सम्मान दिया, आपके मंत्रालय आपको दिए हैं जी बहन जी। दिया कम दिया है बीएसपी ने? नहीं नहीं, ये तो दिया भाई जी आपके जरिए मिला है। तो ये मत बोलो आप शायद मेंबरशिप की बात कर रहा था जी भाई जी। तो मैं बाधा का इसलिए मैंने पूछा है कि कुछ कुशवा लोग आए हो तो थोड़ा सा मुझे जानकारी मिल जाए, मतलब क्योंकि बाधा जो है उसको भी कम वोट पड़ा ललितपुर वाले को जो है जी बहन जी। मैं बुलाता हूँ जी, बीजेपी का कुशवा जीत गया जी बहन जी। झांसी वाले को तो पूरा वोट पड़ा है, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ हुई है जी बहन जी। आपको मालूम है कुछ कुशवा लोग मिलने के लिए आए हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं जानकारी ले लूँ बांदा के भी मतलब। जी बहन जी बिल्कुल ठीक है। तो 9 को आप आई रहे हो, उनको लेकर बात करूंगी मैं, आता हूँ जी बहन जी। जी सर जय सिंह। हाँ भाई जी, भैया सर बहन जी पूछ रहे थे लोग आए कि नहीं आए, तो आना था भैया, बात करा देते जी। अच्छा हेलो। हाँ बहन जी, आदेश बहन जी। हाँ भाई, वो आए नहीं बहन जी, वो कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। मैं सोचता था आ जाओ, तो मैं लेकर के आ जाऊँ। नहीं चलो आप आ जाओ, आप तो आ जाओ बहन जी, आ जाने दीजिए, फिर ज्यादा अच्छा रहता है, फिर वो चले जाएंगे। पता नहीं कितने बजे आएंगे बहन जी, अब मजबूरी है, मुझे बात करनी है, आप आ जाओ। अब बहन जी मैं बहुत टॉर्चर हो चुका हूँ, आपने आनंद भैया ने और मिश्रा जी ने बहुत टॉर्चर किया बहन जी मुझे, मैं डरता हूँ आपसे।